अपने ड्रीम विजन मिशन 2030 को लेकर सीएम अशोक गहलोत रथ पर सवार होकर 18 जिलों की यात्रा पर निकल गए हैं। अपने 9 दिनों की यात्रा के जरिए सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही सीएम अशोक गहलोत की राजस्थान यात्रा मंदिरों के साथ शुरू हो गई है। इस यात्रा के जरिए वे जनता से मिशन 2030 के लिए सुझाव मांगेंगे और अपनी सरकार को रिपीट करवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां बीजेपी सत्ता में वापसी करने के लिए संकल्प यात्रा निकाल चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार को रिपीट करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस वो हर दाव खेलने की कोशिश कर रही है जिससे वो बीजेपी को मात दे सके। अशोक गहलोत अपनी 9 दिन की इस यात्रा के जरिए जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले गहलोत की इस देव दर्शन यात्रा को अहम माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि कल सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर लौटने से पहले सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर और चूरू में सालासर बालाजी के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत भी उपस्थित रही। बुधवार को खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन के बाद आने वाले दिनों में गहलोत देशनोक में करणी माता मंदिर, बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, राजसमंद के चारभुजनाथ मंदिर, नागौर जिले के खरनाल में तेजाजी मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर और कल्लाजी मंदिर निम्बोड़ा में दर्शन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सभा संवाद और देव दर्शन की शुरुआत कर दी है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से सीएम अशोक गहलोत ने इस मिशन की शुरुआत की है। इस दौरान उनका 18 जिलों में जाकर सभा करने और मंदिरों में दर्शन करने का 9 दिन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। कल 29 सितंबर को सीएम गहलोत के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में संवाद सभाएं रखी गई है। इसके बाद वो 30 सितंबर को बीकानेर और जैसलमेर में संवाद करेंगे। इसके बाद लगातार गहलोत 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक दौरा करेंगे। 3 अक्टूबर को गहलोत काकरौली, नाथद्वारा और उदयपुर का दौरा करेंगे। काकरौली में मार्बल कारोबारियों और नाथद्वारा में पिछवाई पेंटिंग से जुड़े कलाकारों और कारोबारियों से मिलकर बातचीत करेंगे और उनका सुझाव भी लेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर को गहलोत का बेणेश्वर धाम में आदिवासी नेताओं के साथ चर्चा का कार्यक्रम भी रखा गया है। बता दें कि डूंगरपुर कॉलेज में इसी दिन गहलोत आदिवासी खिलाड़ियों से भी चर्चा करेंगे। 5 अक्टूबर को निम्बोड़ा, चित्तौड़गढ़ में मार्बल ग्रेनाइट और सीमेंट उद्योग से जुड़े लोगों के साथ गहलोत चर्चा करेंगे। 6 अक्टूबर को गहलोत का रणकपुर, सुमेरपुर, जालौर और सिरोही में मिशन 2030 को लेकर सभाओं का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान सिरोही में वो 6 अक्टूबर को पशुपालकों से भी संवाद करेंगे। आखिरी 7 अक्टूबर को सीएम बांसवाड़ा जिले का दौरा करेंगे। बाड़मेर के सिवाना में पशुपालकों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में काम कर रहे युवाओं से भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें, अशोक गहलोत ने 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत को टॉप राज्य बनाने की दिशा में राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ इसी साल अगस्त में किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य के विकास को 10 गुना बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। इस अभियान के जरिए ये भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। गहलोत ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश ने 4 गुना वृद्धि की है, अब इसे 2030 तक 10 गुना और करना है। इसके लिए उन्होंने आम लोगों से सुझाव विचार मांगे हैं। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने वाला राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है। अब राजस्थान एक विकसित राज्य बने, प्रति व्यक्ति आय, हैप्पीनेस इंडेक्स और निवेश अधिक से अधिक बढ़े, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।